आल्प्स में ये है ट्रेन वर्सेस स्नो। बी केयरफुल, आगे काफी बर्फ है। यहाँ पर ट्रेन चलाने का मतलब होता है लगातार कुदरत से मुकाबला करना। पिछले 100 सालों में स्विस इंजीनियर्स ने ऐसी हैरतअंगेज मशीनें बनाई हैं, जिनसे ट्रेन हर मौसम में चल पाती हैं। ये हैं उनकी सबसे नई बेमिसाल स्नो फाइटिंग ट्रेन्स। यूँ समझिए कि आपके होम स्नो ब्लोअर को 100 गुना बड़ा कर दिया गया है। द बर्निंग लाइन, खतरनाक बर्फ का असरदार सोल्यूशन। द स्विस आल्प्स, सर्दी का मौसम है। यहां पर एक बेमिसाल रेलवे है जो स्कीयर्स और टूरिस्ट्स को स्की रिजॉर्ट्स तक पहुंचाता है। 245 बर्निना लाइन ट्रेन की कंडक्टर है वेरा लिन निकलास। मैं इस रेल बोर्ड पर 7 सालों से काम कर रही हूं। मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटिंग है। बर्निना लाइन इटली के टिरानो से शुरू होती है और यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ों तक जाती है। यहाँ पर सर्दियों में 700 मीटर से ऊपर जमीन पर बर्फ जम जाती है। ये लाइन 2250 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है और सेंट मरिट्स के स्की रिजॉर्ट पर जाकर खत्म होती है। लोग यहाँ इस बर्फ के लिए ही आते हैं, पर ये वेरा लिन और इनकी ट्रेन के लिए मुसीबत है। हमें लगता है कि ट्रेन बर्फ को धकेलते हुए आगे बढ़ती होगी, पर ऐसा नहीं होता। बर्फ धीरे धीरे इंजन के आगे जमा होती जाती है और इतनी भारी हो जाती है कि फिर इंजन ट्रेन को आगे नहीं धकेल पाता और उस बर्फ को हटाना जरूरी होता है। ये जगह यूरोप का हाईएस्ट पास है और यूरोप के सबसे ज्यादा बर्फीले इलाकों में से एक है। पिछले 100 सालों से स्विस ने इस रेलवे को चला रखा है। टोक्यो, सुबह 7 बजे लाखों लोग शहर में आते हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े शहर में ही दुनिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन भी है। ट्रेन आती है। आप जापानी ट्रेन को देखकर अपनी घड़ी सेट कर सकते हैं। अगर वो 5 सेकंड लेट हो तो हैरानी की बात होगी। ऐसा कभी नहीं होता। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। जब ट्रेन्स आती हैं, तो वो पहले से ही भरी होती हैं। पर अगर आपको अपने ऑफिस टाइम पर पहुंचना है तो भाई चढ़ना तो पड़ेगा ही। इससे कोई फायदा नहीं होता है अगर आप सोचते हैं कि इसे छोड़ देता हूं और अगली ट्रेन में चला जाऊंगा। अगली भी इस तरह से भरकर आने वाली है, मतलब कि कोई और तरीका ही नहीं है। अब यहां जितनी ट्रेन्स चल रही हैं, उससे ज्यादा नहीं चलाई जा सकती, तो जापानीज ने इसका एक एक्सट्रीम सॉल्यूशन ढूंढा है, दी ऑशिया, जिन्हें द पुशर्स भी कहते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है टाइम टेबल को फॉलो करना और इसके लिए कुछ लोगों की हेल्प भी ली जाती है जिन्होंने व्हाइट ग्लव्स पहने होते हैं। वो पैसेंजर्स को धक्का देकर ट्रेन्स के अंदर डालते हैं ताकि डोर्स बंद हो सके और ट्रेन्स आगे बढ़ सके। जो भी हो, ये सिस्टम कामयाब है। हर रोज लाखों पैसेंजर्स सही टाइम पर अपने ऑफिस पहुंचते हैं।
इंडिया, ये है वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपोज्ड। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर रेलवे ट्रैक्स बिछाना अच्छा आइडिया नहीं होता, जैसे कि लहरों से भरे समुद्र के बीच। ये सोचकर हैरानी होती है कि ये रेल ब्रिज अभी तक टिका कैसे हुआ है। इस रेल रोड ने इतनी ज्यादा मुसीबतें झेली हैं कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इस ट्रैक का सबसे खतरनाक दुश्मन है इंडियन ओशन। ऐसे ट्रैक पर कोई ट्रेन अगर पटरी से उतर जाए तो बचने की उम्मीद ना के बराबर होगी। ये एक चमत्कार ही है कि ये अभी तक खड़ा कैसे है। पाम्बन ब्रिज, द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपोज्ड रेलवे। साउथ इंडिया, चेन्नई से जरा सा साउथ में पाम्बन ब्रिज और तबाही के बीच खड़ी है ये मेंटेनेंस टीम। इनका मिशन, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रिज से ट्रेन्स गुजरती रहनी चाहिए। ये अपने काम पर जा रहे हैं, कई सौ मीटर अंदर समुद्र के बीच में। सिर्फ एक मीटर चौड़ा और लगभग ढाई किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक पैसेंजर्स और सामान को रामेश्वरम आइलैंड और मेनलैंड के बीच लाता ले जाता है। इसके नीचे बहता है इंडियन ओशन। इसकी पोजीशन ऐसी है कि पाम्बन ब्रिज और इस पर काम करने वाले लोगों पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। न सेफ्टी बैरियर्स, न रोप्स और ना ही लाइफ जैकेट्स। एजे अशोक कुमार इन हालातों में यहाँ हर रोज काम करते हैं। यहाँ किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस ट्रैक पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा पैर फिसला और 100% डेथ। हवा भी बहुत जोर की चलती है, कई लोग मर चुके हैं यहाँ पर। इस तरह बहुत गहरा है ये पानी, जो भी इसमें गिरता है वो मर जाता है, क्योंकि हवा बॉडी को समुद्र की तरफ धकेलती है। इस लोहे के ब्रिज का सबसे बड़ा दुश्मन है जंग। इसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तेज हवाएं, लहरें, सॉल्ट वाटर, एयर पोल्यूशन, हाईली कोरोसिव एलिमेंट्स। इसलिए इसे ठीक रखने के लिए बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। इसको जंग से बचाने के लिए अशोक हर रोज इस ट्रैक के सबसे ज्यादा जंग वाले हिस्से को उखाड़ते हैं और पेंट से सील कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें सिर्फ अपना पैर फिसलने की चिंता ही नहीं होती, क्योंकि जिस वक्त ये क्रू यहाँ पर काम कर रहा होता है, इस पर से ट्रेन्स गुजरती रहती हैं, और उस वक्त सबसे पास वाला सेफ्टी प्लेटफॉर्म 30 मीटर की दूरी पर हो सकता है। ये इंडियन रेलवे सिस्टम के इतिहास की एक बेहद अहम कड़ी है, और इसीलिए इतनी कोशिश की जाती है इसको ठीक रखने की, और अगर कुछ हो जाए तो इसे रिपेयर करने की भी। लेकिन ये मेंटेनेंस टीम ज्यादा कुछ नहीं कर पाती जब कुदरत अपना असली रंग दिखाती है, क्योंकि ये है एक साइक्लोन कंट्री। और जब कोई साइक्लोन समुद्र में उठता है तो लोकल सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि इस ब्रिज को कुछ ना हो। एस कैलेसेल्वम को याद है कि 22 दिसंबर 1964 को क्या हुआ था जब एक साइक्लोन आया था। ये आधी रात की बात है, बहुत तेज हवा चलने लगी, सब लोग अपने अपने घरों में घुस गए और दरवाजे बंद करके अंदर ही बैठ गए। फिर अचानक घरों की छतें उड़ने लगी और पाम के पेड़ गिरने लगे और कुछ भी नहीं बचा। अगली सुबह गांव वाले ये देखने निकले कि कितना नुकसान हुआ है। सुबह 6 बजे जब सबने देखा क्या हुआ है तो साफ पता चल रहा था ब्रिज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ब्रिज टूटकर समुद्र के पानी में गिरा हुआ था, सिर्फ पिलर ही साबुत बचे थे उसके, बाकी सब डूब गया था। ये ब्रिज जो 1914 से यहाँ था अब टूट चुका था। ये बात सच है कि बहुत से गांवों में भी भारी तबाही मची थी, पर इसके बावजूद सबसे पहले इस ब्रिज को बनाया गया। हैरानी की बात है कि सिर्फ 46 दिनों में पुराने ब्रिज के बचे हुए हिस्सों पर एक नया ब्रिज बना दिया गया। जिन्होंने ये ब्रिज बनाया था, आज उनकी नेक्स्ट जनरेशन इसकी देखभाल कर रही है। ये सच में काबिले तारीफ की बात है कि ये रेलवे अब भी इस्तेमाल होता है।
ये एक सबूत है इस बात का कि जिन इंजीनियर्स ने इसे बनवाया था वो सच में कमाल के लोग थे, और जो इसे मेंटेन कर रहे हैं वो भी कुछ कम नहीं है। आज का दिन अच्छा रहा, कल ये फिर से यहाँ वापस आएंगे और अपने इस खतरनाक काम में जुट जाएंगे।